रामहाल, कंग्रेचुलेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, क्योंकि कुपवारा की बेटी ने क्वालिफाई किया है आईएएस। मैं इस वक्त इनके घर में हूँ, पूछता हूँ इससे कि जर्नी कैसी रही है। इनका नाम नादिया नादिया बेग, जो कि पंजवा विलगाम कुपवारा से ताल्लुक रखती है। नादिया, पहले आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। नादिया, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और कैसा लग रहा, क्या फील कर रहे हो इस वक्त? फीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सरप्राइजिंग सी फीलिंग है और बहुत एक्साइटमेंट भी है। अच्छा भी लग रहा है कि सभी घर वाले खुश हैं, सभी हमारे रिलेटिव सभी खुश हैं, सभी यहाँ पर प्रेजेंट है अभी। और ये जर्नी मेरी जो है ये स्टार्ट हुई थी 2014 में, जब मैं ग्रेजुएशन के लिए गई थी जामिया मिलिया। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया अपना इकोनॉमिक्स में। पहले मैंने 12th तक नॉन मेडिकल पढ़ा था। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इकोनॉमिक्स में डिग्री करो। और डिग्री के दौरान ही मुझे थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा ध्यान गया था। और उसके बाद मैंने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना शुरू किया और उसके बाद मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। फिर 2018 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया और मैं प्रीलिम्स में पास नहीं कर पाई। उसके बाद 2019 वाले अटेम्प्ट में मुझे 350 रैंक मिला है। ईद पे इतनी बड़ी ईदी, किसको क्रेडिट देना चाहोगी? क्रेडिट तो सभी को जाता है। मेरे माँ बाप को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जो कि दोनों टीचर्स हैं जिन्होंने अपना अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की हमारी एजुकेशन के लिए, जो उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही। और मेरा भाई जिसने मुझे हमेशा गाइड किया, मेरा सपोर्ट रहा, मुझे हमेशा फ्रीडम दी कि आप कौन सा, मतलब मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो मुझे हमेशा फ्रीडम मिला, लिबर्टी मिली और उस हिसाब से मैंने अपना ये चूज़ किया। और मेरी बहनें जो है, जो दोनों डॉक्टर्स हैं। आईएएस एक बड़ा मतलब ओहदा है, एक फारफ्लंग एरिया से ताल्लुक, कहाँ से स्टडीज की थी और कितने हिंड्रेंस फेस करने पड़े? एक चीज़ है, मैंने ज़िंदगी में एक मेरा ये प्रिंसिपल रहा कि मैंने अपने लिए कभी कोई हिंड्रेंस मुझे लगा नहीं कभी। मुझे हमेशा लगता था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया उसके बाद मेरे फादर ने मुझे बोला था आप मास्टर्स के लिए जाओ, तो लेकिन मुझे पता था मुझे मास्टर्स नहीं करना था और मैंने बोला कि मैं मास्टर्स नहीं करना चाहूँगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अब कोचिंग के लिए जाओ। तो मैंने बोला कि इतनी फाउंडेशन मैंने अपनी स्ट्रांग कर ली है कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर उन्होंने मुझे कभी वो मतलब फोर्स नहीं किया। फिर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, लेकिन ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग की थी। और फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो नहीं पाया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट मैंने क्वालिफाई करी। बेसिक स्कूलिंग की अगर बात करें तो कहाँ से की थी और किन उस्तादों को इस वक्त आप थैंक यू कहना चाहोगी ज़्यादातर? मेरी स्कूलिंग यहीं हुई है, विलगाम से हुई है, लाइट हाउस पब्लिक स्कूल विलगाम। 10th तक मैंने वहाँ पढ़ा और फिर 11th 12th मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम से पढ़ा है। उसके बाद मैंने सीधे मैं दिल्ली गई ग्रेजुएशन के लिए और वहाँ से मैंने फर्दर एजुकेशन अपना। टीचर्स तो सब याद होंगे, मतलब मैन टीचर्स जिनको आप इस वक्त स्क्रीन मतलब जो इस वक्त देख रहे हैं उनको थैंक यू कहना चाहोगी? टीचर्स तो बहुत सारे रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता ये सही कि आप किसी हर एक को थैंक यू, हर एक को थैंक यू। ठीक है, मतलब आगे जो फ्यूचर है आप इंशाल्लाह ब्राइट ही होगा, लेकिन किन की खिदमत, किस किस फील्ड में जाना चाहोगे आप? अभी सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ है, वो डिपेंड करता है सर्विस पे कौन सा सर्विस आपको मिला। मुझे आईएएस मेरा पहला प्रेफरेंस था, सेकंड प्रेफरेंस मेरा फॉरेन सर्विस था, बट मुझे नहीं लगता इतने रैंक पे मुझे वो मिल पाएगा। और देखते हैं अब क्या मिलता है, उसके हिसाब से देखते हैं। जो भी इस वक्त आईएएस स्टूडेंट्स हैं, चाहे लड़की लड़कियां, जो इस वक्त क्वालिफाई करना चाहते हैं या जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज यही रहेगी कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है। इसका हर एक स्टेज बहुत ज़्यादा मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसमें डिसहार्टन नहीं होना है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करते रहना है, करते रहना है। अगर आप फेल भी होते हो तो आपको वही आपको जो आपका रास्ता है उसी पे चलते रहना है। मैंने जो मैं ये कहूँगी कि तैयारी के जो पहले 1-1.5 साल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें मैंने जो अपनी सोशल लाइफ थी मैंने ऑलमोस्ट वो बिल्कुल ही मेरी ख़त्म थी। मैं घर भी नहीं आती, मैं साल में एक बार घर आई हूँ, अभी मैं बहुत साल बाद आज मैं 4 महीने के लिए मैं घर आई हूँ। तो ऐसे आपको
सैक्रिफाइसेस बहुत सारे करने पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है इस चीज़ का। चलिए, हमारी तरफ से भी आपको बहुत आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।